हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टाइटेनियम ओल्डिंग कैसे किया जाता है और टाइटेनियम जो मेटेरियल होता है इसका इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है। तो काफ़ी सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टाइटेनियम जो मेटेरियल होता है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपका जो चिमनी होता है उसका अंदर में लगता है, ये आपका छोटा छोटा मतलब सेल बनता है, इसमें सेल का अंदर में यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका टाइटेनियम का प्लेट दिया हुआ है। तो इसका बाहर साइड में लोहे का मतलब पत्ती दिया है, लेकिन इसका अंदर साइड में ये देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइटेनियम का प्लेट दिया हुआ है। तो इसका थिकनेस ज़्यादा नहीं है, वही 3-4 mm थिकनेस है, लेकिन इसका अंदर से इसको दिया गया है, मतलब जो सेल बना हुआ है। तो सेल मतलब ये छोटा छोटा टैंकी टाइप का, ये हल्का जो टैंकी गोलाकार होता है गोल में ही आप देख रहे हैं। तो ये टाइटेनियम का प्लेट इसमें लगाया गया है, देख सकते हैं इसका थिकनेस भी ज़्यादा नहीं है, हल्का थिकनेस है। इसके अलावा भी बहुत जगह में आपका टाइटेनियम मेटेरियल का यूज़ होता है, जैसे कि जो एरोप्लेन का जो पंखा रहता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका जो टीजी पावर प्लांट में जो टीजी रहता है, टर्बाइन में जो ब्लेड लगता है उसमें भी टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन जो जहाज होता है, इसके बाद मतलब बहुत टाइप का ऐसे अनगिनत इसका मतलब इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारा इसमें मेटेरियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उतना सारा चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए आप जान लेते हैं कि इसको वेल्डिंग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इस टाइप का यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा सेल बना हुआ है, तो ये जो सेल है ये आपका चिमनी के अंदर में लगेगा और इसका अंदर में आपका वो जो टाइटेनियम का प्लेट लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का जो जॉब होता है, अगर पाइपलाइन में जॉब है तो पाइपलाइन में मारना पड़ेगा टेस्ट आपको, और जो अगर प्लेट में आप मारते हैं इस टाइप का, तो ये आपका टैंकी है, ठीक है, टैंकी नहीं है सॉरी, इसमें आपका सेल कहते हैं। तो ये गोल गोल टैंकी टाइप का ये छोटा छोटा है, देख सकते हैं यहाँ पर चिमनी है, इसी चिमनी के अंदर में यहाँ पर लगेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट होने से भी कुछ दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बॉयलर से जितना तो आपका धुआं बनेगा, जो भी राख बनता है वो सब इसी का सेल का अंदर से जाता है, ऊपर तक चला जाता है। तो ये मेटेरियल काफ़ी हार्ड होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपका इस टाइप का जॉब आता है तो जैसे आपने स्क्रीन में देखा बिल्कुल इसी तरीके से उसमें भी टेस्ट में आपको लिया जाएगा। कंपनी में जिस टाइप का जॉब रहता है उस टाइप का टेस्ट भी लिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका इस टाइप का जॉब है तो ऐसे ही आपको सेम आपका प्लेट लगा दिया जाएगा और इसमें आपको वेल्डिंग करने के लिए देगा। लेकिन आपका जॉब अगर पाइपिंग का है तो उसमें आपको पाइप का टेस्ट मारना पड़ेगा, चाहे 4 इंची में है चाहे 3 इंची में है। और उसमें आप पाइपिंग में अगर मारने के लिए जाते हैं तो उसमें पार्चिंग दे करके मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस टाइप में प्लेट में मारते हैं तो इसमें पार्चिंग देने का ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर जो बात है, अगर आप इसमें पार्चिंग वाला जॉब मारते हैं पाइपिंग में तो आपको पार्चिंग देना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल अगर जॉब मारते हैं आप प्लेट में या फिर इस टाइप में अगर जॉब मारते हैं प्लेट में, तो उसमें आपको जैसे आप सीएस मारते हैं वैसे मारते जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाइपिंग के लिए आपको पार्चिंग देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप जान लेते हैं इसमें कौन सा फिलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं जो फिलर का इस्तेमाल किया जाता है TI2-1G। तो फ्रेंड्स इसमें भी फिलर का 19-20 हो जाता है, क्योंकि जिस तरह आपका सीएस में फिलर में आपका 7-0H2A1 रहता है, डियासोन रहता है, ठीक है, उस टाइप में इसमें भी थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। इसमें जो हिसाब से रहता है कंपनी का जो रिकमेंड रहता है उस टाइप में इसमें फिलर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, अगर आप पाइपिंग में मारते हैं तो इसमें आपको फिलर को ड्रॉप दे दे करके मारना पड़ेगा, क्वांटिटी फिलर देने से अच्छा रूट नहीं आएगा। तो इसमें आप ड्रॉप दे दे करके मारना पड़ेगा तभी थोड़ा सा अच्छा रूट आएगा, और जब फाइनल मारेंगे तो जिस टाइप में फाइनल होता है फिलअप फाइनल सीएस में बिल्कुल उसी तरह से मारना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।